प्रिंस स्कूल के छात्र ने दसवीं बोर्ड परिणाम में लहराया परचम और प्रिंस स्कूल के छात्र देविश बराला ने 99.50% अंक हासिल किए हैं। प्रिंस स्कूल के छात्र के टॉप करने पर स्कूल में जश्न का माहौल है और दसवीं परिणाम में टॉप करने में माता पिता और स्कूल स्टाफ का भी पूरा सहयोग रहा है। सीकर के भारतीय स्कूल की छात्रा ने भी परचम लहराया है। संवाददाता जगदेव सिंह पवार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। जगदेव, देखिए सीकर में भी प्रिंस स्कूल के छात्र का जो परिणाम है वो बेहद अच्छा आया है। कैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, छात्रों में कितना उत्साह है, चूंकि लंबे वक्त से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे सभी छात्र? जी शिवानी, आपको बताना चाहूंगा आज जो दसवीं बोर्ड का रिजल्ट जो परिणाम आया है उसमें सीकर की प्रिंस स्कूल ने जो है बाजी मारी है और टॉप स्थान हासिल किया है। यहाँ के देवेश बराला है उसने 99.50% जो है प्रतिशत अंक हासिल कर ये मुकाम हासिल किया है और स्कूल में बड़ा ही जश्न का माहौल है। यहाँ पे डीजे के ऊपर जो छात्र छात्राएं काफी जश्न मना रहे हैं। वही आपको बताना चाहूंगा इस समय जो है स्कूल के अंदर मौजूद है, जहाँ पर देवेश सहित अन्य जो टॉपर्स बच्चे हैं वो भी यही मौजूद है। हम उनसे बात भी करना चाहेंगे कि उन्होंने इस मुकाम को किस तरह से हासिल किया है। धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मम्मी पापा ने जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सपोर्ट किया और इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट, टीचर्स, फैकल्टी, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट के जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह थे सभी ने एकदम जितना भी बोर्ड के लिए सफिशियंट था उससे ज्यादा ही करवाया ताकि बोर्ड में अच्छे रिजल्ट आ सके। और अगर नॉर्मल कंसिस्टेंटली अपन 6 से 7 घंटे अगर रेगुलर पढ़ते हैं स्कूल के अलावा तो काफी है। आपने किस तरह से तैयारी की, प्रतिदिन कितने घंटे तक तैयारी की इस मुकाम को पाने के लिए? सबसे पहले तो अपना टाइम को जो है वो ट्रैक कीजिए। टाइम टेबल एक अलग चीज है और टाइम को ट्रैक करना एक अलग चीज है। सबसे पहले अपने टाइम को ट्रैक कीजिए, फिर उसे अपने जो टाइम टेबल है उसके अंदर शेड्यूल के अंदर फिक्स कीजिए, जिससे आपके पास जो भी टॉपिक है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप कवर कर पाएंगे और जितना ज्यादा हो सके अपने पेरेंट्स के टच में रहिए ताकि आप किसी भी तरह के स्ट्रेस वगैरह में नहीं जाए। आप जब स्ट्रेस में रहते थे काफी घंटे तक लगातार पढ़ाई करते थे, उसके बाद में स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करते थे आप? सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा के पास जाता था, थोड़ी देर बात करता था और अगर वो किसी काम से नहीं हो तो मैं गाने सुन लिया। जो अन्य छात्र हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने मम्मी पापा, टीचर्स सभी के प्रति एकदम श्रद्धा रखें, अपने टाइम को पूरी तरह से ट्रैक करके शेड्यूल बनाएं और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें और अपने ऊपर भरोसा। ये देवेश बराला था जिन्होंने 99.50% अंक हासिल किए हैं। इसके साथ आपको बताना चाहूंगा एक छात्रा भी है चंचल सैनी जिन्होंने 99.33% अंक हासिल कर जो है छात्राओं का गौरव बढ़ाया है। हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से यह तैयारी की है। मैंने रेगुलरली स्टडी की और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने, पूरी फैकल्टी मेंबर ने मेरा सपोर्ट किया। जहाँ कभी कम नंबर आए उसको मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस करके पूरे टेस्ट पेपर्स को दोबारा सॉल्व किया है। आगे क्या लक्ष्य रहेगा आपका? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पीसीपी में। अन्य जो छात्राएं हैं, बेटियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनके प्रति मेरा यही संदेश है कि अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे और अपने आप पर हमेशा गर्व करें कि आप लड़की हैं। ये थी छात्रा और इनके अलावा जो पीसीपी के डायरेक्टर है छुंडा, उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्होंने एक तरह से बच्चों को तैयारी की है इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। सभी को नमस्कार। प्रिंस स्कूल के स्टूडेंट्स ने 10th राजस्थान बोर्ड में भी हर एग्जाम्स की तरह क्रैक किया है। शानदार रिकॉर्ड हासिल करते हुए डेविस बराला ने 99.50 597/600 अंक, चंचल सैनी ने 596/600 मतलब 99.33% अंक, उसके साथ ही नीतू गोरा ने 99.17, मोहित कुमारी ने 99.17, अनुष्का ने 99.00 और 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 98% से ऊपर अंक हासिल किए। 146 ऐसे हैं जिन्होंने 90
5% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। मेन सफलता के परसेंटेज के जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रिंस स्कूल के बच्चों ने, टीचर्स ने दिन रात मेहनत करके, पेरेंट्स को साथ लेकर, मैनेजमेंट को साथ लेकर ये सफलता हासिल की है। मैं सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। तो ये थे डायरेक्टर सर, जिन्होंने भी बताया कि किस तरह से इस मुकाम तक प्रिंस स्कूल पहुंची है और बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर से इन्होंने परचम लहराया है। वही अभी आपको बताना चाहूंगा शिवानी, यहाँ पे जो है छात्र और भी बैठे हैं, ये अभी थोड़ी देर में सेरेमनी होगी इनकी, सेरेमनी में जो अन्य किया जाएगा, पारितोषिक दिए जाएंगे और मोटिवेशन दिया जाएगा। जी शिवानी, ठीक है। जगदेव आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।